नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग रिश्ते में है लेकिन नो कांटेक्ट में है या फिर सेपरेशन में है, अगर आप लोग जानना चाहते हो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, उनका क्या एक्शन रहेगा, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए और एनर्जी भी चेंज होते रहते हैं, ये भी आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि देखते हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हो या फिर सेपरेशन में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हैरोफेंट। आपका जो पर्सन है वो अभी अपने पावर में है, अपनी पोजीशन में है, लेकिन उनको लगता है वो अचानक से कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके चलते आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, या फिर वो अभी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। वो हो सकता है किसी गुरु की शरण में है या फिर घर का कोई बड़ा जो उनको कोई समझा रहा है या फिर कुछ बोल रहा है जिसके अनुसार वो चल रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अचानक से आपके पास वो दौड़ के चले आए और आपको अपना दिल का हाल बताए। लेकिन वो आपसे थोड़ा डरता है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ सोर्ट्स का कार्ड। उनको लगता है कि आप उनको कब क्या खड़ी खोटी सुना दो, हो सकता है उससे उनका दिल जल जाए, उनका मन खराब हो जाए, वो दुखी हो जाए। इसीलिए वो अभी अपने पावर में है, अपनी पोजीशन में है, या फिर वो ऐसा सोच रहे हैं कि अभी आप अपने पावर में हो, अपनी पोजीशन में हो, आप कोई भी बात नहीं करना चाहते हो, इसीलिए वो खुद को भी एक बाउंड्री की तरह रख रहे हैं अपने आसपास। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को काबिल बना रहे, लेकिन वो कभी भी आपके पास आ सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, उनको इच्छा हमेशा होता है कि आपके पास चला आए, आपकी प्रति उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई है जो उनको रोक रहा है। हो सकता है वो गॉड के शरण में जा रहे हैं, वो अभी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि जो करेंगे भगवान की मर्जी, जो होगा भगवान जो सही समझेंगे वो करेंगे, या फिर वो किसी घर के किसी बड़े बुजुर्ग के सलाह से अभी खुद को रोक रहे हैं, इसीलिए वो आपके पास चाहते तो आना लेकिन नहीं आ पा रहे, और आपको ये दिखा रहे हैं कि उनको किसी की परवाह नहीं है। ये उनकी करंट फीलिंग्स है। अभी देखते हैं वो चाहते क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, जो लोग सेपरेशन या फिर नो कांटेक्ट में हैं, देखते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। सिक्स ऑफ कप्स, पुराने दिन वापस आ जाए, क्योंकि टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आया है द सन का कार्ड, विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, बच्चों जैसी एनर्जी में आना चाहते हैं, वो चाहते हैं पुराना दिन वापस आ जाए, क्योंकि उनको लगता है आप उनके सोलमेट हो और ये जो रिश्ता है ये जन्म जन्म का रिश्ता है, ये रिश्ता इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है, इसीलिए वो आपके साथ रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, दोस्ती से शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं जैसे पुराने दिनों में आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, हंसी मजाक करते थे, अल्हड़पन थी आप लोगों के रिश्ते में, उस तरह फिर से आपका पुराना दिन वापस आ जाए और आप लोगों के रिश्ते में पुराना प्यार वापस आ जाए। और उनको ये भी पता है कि ये जो रिश्ता है ये गॉड की ब्लेसिंग से बना हुआ है, क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं,
वो चाहते हैं कि आप उनके तरफ अपना प्यार लेके आओ या फिर वो आपके तरफ प्यार लेके आए। और ऐसा होगा भी मुझे लगता है इन दिनों 24 से लेके 30 अप्रैल तक की जो वक्त है इन दिनों में वो आपके पास अचानक से कभी चले आ सकते हैं, क्योंकि करंट एनर्जी में ऐसा ही है। लेकिन वो भगवान की तरफ देख के रोका हुआ है, खुद को रोक रहे हैं या फिर कोई उनको रोक रहा है, समझा रहा है कि अभी थोड़ा रुक जाओ, वक्त सही नहीं है, इस तरह की कुछ एनर्जी है। लेकिन वो चाहते हैं कि पुराने दिन वापस आ जाए, आप लोगों में प्यार हो जाए और रिश्ते में नई शुरुआत हो जाए, और वो इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं। वो चाहते हैं ये जो रिश्ता है इसमें उनका ही जीत हो। अभी देखते हैं उनका एक्शन क्या रहेगा 24 से लेके 30 अप्रैल तक की जो वक्त है इसमें वो क्या एक्शन लेंगे। 8 of Pentacles वो रिश्तों पे मेहनत करेंगे। द हाई प्रिस्टेस वो अपनी पावर को दिखाएंगे। 7 of Swords हो सकता है आपका कोई बात या फिर उनके कोई बात बाहर आ जाए जो वो छुपाना चाहते थे, तो उनका जो एक्शन है वो थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा रुकेंगे, वो इस रिश्ते पे मेहनत करना चाहेंगे और अपनी पावर को, अपनी पोजीशन को बरकरार रखना चाहेंगे। हालांकि वो चाहते हैं कि पुराने दिन वापस आ जाए, आपके साथ उनका रिश्ता फिर से शुरू हो जाए, लेकिन उनका कोई झूठ या फिर आपका कोई सच उनको पता चल जाएगा कि आप भी उनसे प्यार करते हो, इस तरह की कोई बात या फिर कोई भी बात, इसके लिए वो थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा इंतज़ार करेंगे और अपने इतना खुद को कंट्रोल करेंगे कि अपने मन को वो वश में लाने की कोशिश करेंगे। और वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाएंगे इन दिनों, उनको पहले से ही पता चल जाएगा कि आपका मूवमेंट क्या है, आप कब कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, क्या चाहते हो, ये सारी चीज़ें उनको पता चल जाएगा। आपका सीक्रेट जो आप छुपाना चाहोगे लेकिन वो सब कुछ पता कर लेंगे, उनको सब पता चल जाएगा, बैठे बैठे दूर बैठे ही वो सब कुछ पता कर लेंगे। इसीलिए वो और थोड़ा रुकेंगे, देखेंगे। हो सकता है किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो दौड़ के चले आए, अचानक से आपके पास चले आए, क्योंकि वो आपका सीक्रेट जान जाएगा, आप किस समय क्या करते हो, किससे बात करते हो, आपकी परेशानी क्या है। इसीलिए वो वेट एंड वॉच की मूड में रहेंगे और बाद में जब उनको लगेगा कि अभी मुझे जाना पड़ेगा और मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तो हो सकता है कि वो कोई एक्शन भी ले ले। अभी देखते हैं यूनिवर्स ही क्या कहना चाहते हैं। वैसे तो वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, वो आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं, लेकिन वो थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अभी इस बार क्या आप उनसे जाके बात करते हो। द वर्ल्ड, 4 of Cups, 8 of Wands, यूनिवर्स ही आपसे यही कह रहे हैं कि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक दीजिए। आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जा रहा है, लेकिन पहले आपको पुरानी परेशानी को ख़त्म करनी पड़ेगी। आप जो इन अनफिनिश बिजनेस में हो, जो बात आप लोगों से बाकी रह गया है, उस बात को पहले ख़त्म करो। 8 of Wands के साथ हो सकता है आप लोग मिल ना पाओ, लेकिन टेक्स्ट कॉल या मैसेज के माध्यम से बहुत सारी बातें आपको करनी पड़ेगी। और आप जो दुखी हो, जो परेशान हो, जो आपके सामने है, आप जो उसको नहीं देख रहे हो, आप दोनों ही उसको देखिए। हो सकता है बेटर ऑप्शन आपके लाइफ में आ भी सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो आपके पास है वो ख़राब है। हो सकता है आप लोगों का रिश्ता एक नई सर्कल में जा रहा है, या फिर आप लोग घूमने फिरने जा सकते हो, या फिर आप लोग अपने रिश्ते को दोबारा से शुरू करने के लिए नया सोच ला सकते हो। लेकिन उससे पहले आप लोगों को अपनी पुरानी जो बात नहीं हुआ है, जिसके चलते परेशानी है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को बात करनी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा, बहुत सारी कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, टेक्स्ट कॉल मैसेज माध्यम से, मेल, कुछ भी तरह से आपको बात करनी पड़ेगी,
तब जाके आप लोगों का रिश्ता एक नई सर्कल में जा सकता है, वरना अगर आप बैठे रहोगे तो दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। किसी एक को तो पहल करनी ही पड़ेगी, तब जाके आप लोगों का जो रिश्ता है वो नई सर्कल में जाएगा। आप लोग फिर से प्यार में आओगे और घूमोगे फिरोगे, बात करोगे, अच्छे कपड़े पहनना, बातें करना, जो पहले आप लोगों की रिश्ता था वो होगा, लेकिन इससे पहले आपको बात करनी पड़ेगी, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप जाना ही नहीं पा रहे हो तो टेक्स्ट कॉल मैसेज तो कर सकते हो, अभी इंटरनेट का ज़माना है, आप व्हाट्सएप करो, कॉल करो, टेक्स्ट करो। ऐसा नहीं कि ऐसा तो नहीं कि किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा है, हो सकता है आपने उनको ब्लॉक किया है वर्गो, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, इसीलिए आप दुखी हो, परेशान हो। लेकिन मुझे लगता है वर्गो, आपका जो पर्सन है वो इस ब्लॉक को अनब्लॉक करेंगे और आपसे बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और वो आपकी जो परेशानी है वो उनको पता लग जाएगा और वो अपने आप को आपके तरफ ज़रूर लाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।